नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिंह अवतार पर। तो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। तो दोस्तों माइनक्राफ्ट की हमने एक नई सीरीज शुरू की जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों इस सीरीज़ के तहत मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए हैं। जैसे इससे पहले वाला पार्ट बताया था कि जो मैंने अपना घर है ना, मेरा घर अपना बना लिया। तो आप देख सकते हो यार, मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है और मैंने मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है। तो यार इसको आप देख सकते हो, और ये वाले पत्थर है ना, और ये वाली लकड़ी, और ये वाली लकड़ी ऐसे कैसे बना सकते हैं आप। तो उस वाले वीडियो मैंने बताया है आप सभी को कि आप ऐसा घर कैसे बना सकते हो। तो आप देख सकते हो यार, दूर से बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट है ना, उसका मतलब वो अपन को याद रहे और माइनक्राफ्ट की हमारी सीरीज चलती रहे, इसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा यार। तो आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे बोर्ड लगा रहा हूँ। तो इससे पहले वाला पार्ट था यूज ऑफ कंपास इन माइनक्राफ्ट, तो उसे अगला था हाउ टू मेक ए बोट इन माइनक्राफ्ट, तो इसको अगला है आई मेक माई होम। तो दोस्तों ये वाला पार्ट पिछला वाला पार्ट था, मतलब इसमें मैंने अपना घर बना लिया है। तो दोस्तों अगर आप विलेज, तो मैंने आप सबको पहले बताया था कि आपको घर अपना घर विलेज में ही बनाना चाहिए। तो अगर आपको कोई विलेज मिले तो आप उसमें अपना घर बनाइए, लेकिन अगर आपको विलेज में ये वाला घर मिले ना, ये वाला घर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये फर्नेस लगी हुई है और ये लावा भरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इस वाले घर के आपको अंदर जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो, तो इसके वाले में अंदर जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आपको एक चेस्ट मिलेगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चेस्ट रखी हुई है। तो आप इसको खोल कर देखिए एक बार, तो आप देख सकते हो इसके मेरे पर आयरन लेगीज मिली है, और इसका एप्पल मिला है, और यहाँ पर ब्रेड मिली है। तो मैं इस पेंट को ले लेता हूँ। आगे क्या भाई यार, आई नहीं। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास आ गई, तो इसको मैं अभी पहन लेता हूँ बस। तो यहाँ से आप इसे आसान से पहन सकते हो, तो यहाँ से आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई भी कुछ मिल सकता है, इसमें डायमंड भी मिल सकता है भाई, इसको देखना जरूर भाई। इसलिए तो डायमंड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ से आप डायमंड को आसानी से ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये वाला मेरा घर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार, आपको ऐसे बार बार करना पड़ता है। ये मान लो मैंने ये बंद कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने ये बंद कर दिया। तो मान लो मैं यहाँ से वापस बाहर जाऊँगा, तो ये मैं घर पे आ गया और ये वापस बाहर जाऊँगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से खोलना पड़ेगा यार। तो इसको खोल लिया यार, मैं बाहर चला गया। तो दोस्तों आज का पार्ट हमारा इसी के ऊपर ही होने वाला है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं माइनक्राफ्ट में कि ये जब हम आए तो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाए? तो आप देख सकते हो यार, जैसे मान लो आप यहाँ पे आओ तो ये ऑटोमेटिक खुल जाए। तो यार आप ऐसा कर सकते हो माइनक्राफ्ट में। तो दोस्तों ऐसा हम प्रेशर प्लेट की सहायता से करेंगे। तो प्रेशर प्लेट क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है, उसका यूज़ क्या है, तो मैं आप सभी को अभी बताऊँगा। तो बताऊँ उससे पहले यहाँ पर हम अभी हमारे जो आज का पार्ट में इसका नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट है यूज ऑफ प्रेशर प्लेट। तो दोस्तों यहाँ से लिख देता हूँ यूज ऑफ, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं यूज ऑफ प्रेशर प्लेट। तो ये हमारा नाम हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से यूज ऑफ प्रेशर प्लेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम बनाएंगे आज का टॉपिक है ना, जो प्रेशर प्लेट। तो यहाँ से हम प्रेशर प्लेट बनाएंगे। तो आपको जाना है क्राफ्टिंग टेबल पे। तो क्राफ्टिंग टेबल कुछ ऐसी दिखती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रखी क्राफ्टिंग टेबल। तो मैं इसको खोल लेता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो मैंने खोल लिया, मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये सेकंड ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन, यहाँ से आप प्रेशर प्लेट बना सकते हैं। दोस्तों प्रेशर प्लेट को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस वुड प्लैंक चाहिए। दो वुड प्लैंक आपको चाहिए, वहाँ से आपको एक मतलब जो प्रेशर प्लेट है ना वो मिल जाएगी। तो मैं अभी चार बनाऊँगा, तो मैंने चार बना लिया है। तो दोस्तों इनको बस कुछ नहीं करना, आपको जाना है और जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हो ना, वहाँ पे लगा सकते हो। मान लो आप यहाँ लगाना चाहते हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक बार टेप करना है और ये लग जाएगी। तो दोस्तों इसको आप जो आपने फर्श बनाया है ना माइनक्राफ्ट में, उसके कलर का ही बनाना, ताकि आप सभी को अच्छा लगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैं बाहर आया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो दोस्तों अगर आप चाहो ना तो बाहर की तरफ भी लगा सकते हो, लेकिन आपका घर अगर ज़ॉम्बीज के कवर में आ गया, मान लो बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और वो अगर आपके दरवाजे के सामने आ गए ना, मान लो यहाँ पे आ गए, तो यार आपका दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसलिए बाहर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप आपका जो घर है ना वो ज़ॉम्बी से सुरक्षित, तो आप इनको बाहर भी लगा सकते हो। तो मैं अभी बस बाहर लगाने वाला हूँ, तो मैंने लगा दिया है, तो आपको बताने वाला हूँ। बस मैं जाऊँगा, सीधा जाऊँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा भाई, मेरे का
मेरा घर है मतलब जो गेट है ना ऑटोमेटिक खुल गया है, तो जैसे अब मैं बाहर जाऊँगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक खुलता है और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्रेशर प्लेट आप भी बनाइए, अगर आपने नहीं इसका यूज़ किया है तो आप कीजिए माइनक्राफ्ट में। तो आप देख सकते हो यहाँ से बस ऐसे ही मैं जाऊँगा तो ऐसे ही बस ये खुल जाता है, जैसे आप अपने पैर इस पर रखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो दोस्तों आज का पार्ट था, आज हमने सीखा कि माइनक्राफ्ट में प्रेशर प्लेट को कैसे बनाया जाता है और माइनक्राफ्ट में प्रेशर प्लेट का यूज़ क्या है। तो दोस्तों बहुत अच्छा यूज है माइनक्राफ्ट में प्रेशर प्लेट का, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये आज का पार्ट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोज़ के लिए, माइनक्राफ्ट के और वीडियोज़ के लिए। तो मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।